ये बॉडी से मार दे। बॉडी कौन बोला मैं? कबीर। वेलकम बैक टू माई चैनल मेकअप लवर सेजल। और आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है, लाइक ये कोई भी लुक नहीं है, दिस इज हाउ आई गेट रेडी नॉर्मली, और डेली मैं ऐसे ही रेडी होती हूँ। सो आज मैं मूवी जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रेडी हो जाऊँ, बट मेरे पास टाइम नहीं है, सो या मैंने फटाफट मैं रेडी हो गई हूँ। एंड द मोस्ट फनीएस्ट अमेजिंग पार्ट इज मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ अकेले मूवी जाने वाली हूँ। सो या आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज मैं ऐसे क्राउड वाउड में अकेले रहना कम पसंद करती हूँ और मुझे अजीब लगता है, डर लगता है, तो लेकिन मैं जा रही हूँ बिकॉज मुझे जाना है। सो या लेट्स सी, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं थोड़ा सा शूट कर लूँगी, अदरवाइज आपको सिर्फ ये लुक देखने मिलेगा। सो या गाइस चलो देखते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो मेरे पास टाइम बहुत कम है, आई जस्ट क्विकली गेट रेडी। मैं कैसे नॉर्मली बाहर जाती हूँ मैं आप सबको वो दिखाने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं अपने फेस पर टोनर स्प्रे करूंगी। दिस इज फ्रॉम हर्ब आइलैंड एप्पल साइडर एंड कैमोमाइल रिफ्रेशिंग एंड हाइड्रेटिंग टोनर। इसकी स्मेल मुझे नहीं पसंद। ऐसे करती हूँ तो मुझे एंजल की याद आती है। ओके ये थोड़ा सा आंखों में कूलिंग सेंसेशन देगा। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइजर। दिस इज फ्रॉम स्टूडियो वेस्ट हाइड्रा क्वेंच फेस लोशन एंड दिस इज पैराबेन फ्री विच इज ऑल्सो गुड फॉर स्किन। सो नेक्स्ट मैं यूज करूंगी सनस्क्रीन एंड दिस सनस्क्रीन इज फ्रॉम ऑर्गेनिक हार्वेस्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ड्यूअल प्रोटेक्ट आउटडोर एंड इंडोर एज वेल। इट हैज SPF 60 इनटू इट प्लस ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी। तो सनस्क्रीन से थोड़ा सा टेंट भी मिल जाता है, देन मैं कुछ भी फाउंडेशन वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ। अब मैं इसे 10-15 मिनट्स ऐसे ही रहने दूंगी, बट क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं जीन्स वगैरह पहन लेती हूँ, बैग रेडी कर लेती हूँ, देन आई कम बैक। सो या इट्स बीन 10-12 मिनट्स नाउ, और यूजुअली तो मैं जॉनसन्स बेबी पाउडर या फिर पॉन्ड्स का सैंडल पाउडर यूज़ करती हूँ। आज मैं यूज़ करने वाली हूँ वर्ट फ्रेश हैंडमेड 100% नेचुरल एंड वीगन लूज पाउडर। ये मुझे रिसेंटली मेरे एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिला है। सो आप इंस्टेंटली देख सकते हो मेरे अंडर आइज पर जो भी डलनेस था वो थोड़ा सा करेक्ट हो गया है एंड लाइक एकदम ही ज़्यादा डल नहीं दिख रहा। अब मैं फिल करूँगी अपने आईब्रोज और बहुत स्लाइटली फिल करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबेलिन फैशन ब्राउ ड्यू शेपर। बस फुली मेक श्योर करेगा कि सारे प्रोडक्ट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो प्लस आपके आईब्रोज सेम हो। Since I'm a काजल person, next मैं लगाऊंगी काजल and this काजल is from Maybelline Colossal काजल। And then I'm gonna apply this Malio pen eyeliner so that my काजल lasts longer. Next I'll be curling my eyelashes. So last मैं अब लगाऊंगी लिपस्टिक। सो फॉर लिपस्टिक आई एम गोना यूज दिस मिस क्लेयर सॉफ्ट मैट लिप क्रीम इन द नंबर 36। और मुझे ऑरेंज में रस्टी ऑरेंज ज्यादा पसंद है तो मैं ये वाला यूज करूंगी। दिस इज इन नंबर 57 सॉफ्ट मैट लिप क्रीम ही है। So now I'll just comb my hair and it's really a bad hair day today. So I don't apply blush or anything. So आज मैंने कुछ भी लगाया है। This is how I have got ready.
सो यस, अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव यू ऑल सो मच. बाय.